जानता हूं आधे से ज्यादा लोगों का तो दिमाग यही सोच के चकरा रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ और लव गुरु, माने योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही लव जिहाद का नाम जरूर सामने आ जाता है, लेकिन लव प्यार मोहब्बत इश्क से योगी आदित्यनाथ का नाता? अरे नहीं बाबा ना, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही लोगों को बस एंटी रोमियो स्क्वाड याद आता है। बाकी योगी आदित्यनाथ इश्क के कितने खिलाफ हैं ये किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, किंवदंतियां हैं कहानियों में। लेकिन असल में योगी आदित्यनाथ की ये कहानी आपको बताएगी कि योगी आदित्यनाथ इश्क से उतना भी गुरेज नहीं करते हैं जितना आप समझते हैं। योगी आदित्यनाथ को प्यार मोहब्बत से उतना भी शिकवा नहीं है जितना आप समझते हैं। योगी की एक अलहदा सी तस्वीर पेश करती हुई ये कहानी आपको बताएगी कि गोरखनाथ पीठ के सबसे लाडले महंत क्यों कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ पीठ में ऊपर से लेके नीचे तक रहने वाला एक एक बाशिंदा योगी आदित्यनाथ को इतनी प्यार मोहब्बत के चश्मे से क्यों देखता है, यह आपको आज की कहानी बताएगी। और इश्क मोहब्बत प्यार से योगी आदित्यनाथ को कितनी प्यार मोहब्बत है ये भी आपको ये कहानी जरूर बताएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे सारी बातें आसानी से समझ सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं विजय त्रिवेदी की किताब यदा यदा ही योगी के आईने में। विजय त्रिवेदी ने एक खूबसूरत किताब लिखी थी यदा यदा ही योगी। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहद उपयोगी किताब है यदा यदा ही योगी। अद्भुत किताब है, वेस्ट एंड ने साथ छापी है। इस किताब में योगी आदित्यनाथ एक दिलचस्प व्यक्ति के तौर पर नजर आते हैं एक कहानी के अंदर। एक कहानी जिसके एक ऐसे किरदार के तौर पर योगी नजर आते हैं जो किरदार योगी का तो हो ही नहीं सकता है अगर आप उसी योगी को जानते हैं जिस योगी को सब जानते हैं। अगर आप वास्तविक योगी को जानेंगे तो ये योगी बिल्कुल अपना अपना सा लगेगा। अब इन योगियों के फेर में बिना फंसे सीधा कहानी पे चलते हैं। असल में गोरखपुर में एक पत्रकार महोदय रहते थे। गोरखनाथ पीठ के बिल्कुल बगल में ही उनका मकान था। बचपन से गोरखपुर में ही रहे थे, पढ़ाई लिखाई कॉलेज से लेके नर्सरी तक की सब कुछ गोरखपुर में ही हुई थी। तो बचपन से स्कूल आते जाते, चाट पकौड़ी खाते, दोस्तों के साथ रेस लगाते, गोरखनाथ पीठ आना जाना हो ही जाता था। अब जब पीठ आना जाना हो जाता था तो धीरे धीरे गोरखनाथ पीठ के मैनेजर से लेके माली से लेके नौकर से लेके महंत आदित्यनाथ तक पहुंच के तार जुड़ ही गए। धीरे धीरे पत्रकार महोदय अपनी पत्रकारिता के रौ में आए तो प्यार भी हुआ, इश्क भी हुआ। एक लड़की से आंखें भिड़ी तो भिड़ ही गई, एक लड़की जो दिल में उतरी तो उतर ही गई। इश्क हुआ तो होते होते हो ही गया। और एक दफा अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए गोरखपुर की सबसे मशहूर जगह गोरखनाथ पीठ के बागीचों का चयन किया पत्रकार महोदय ने। गोरखनाथ पीठ में बहुत सुंदर बागीचे हैं, हरियाली ऐसी कि मन मोह ले, फवारे से दिलकश की नजारा देखते ही बनता है। और इन्हीं फवारों की गोद में कुछ दिल की बातें प्रेमिका से कहते और कुछ दिल की बातें प्रेमिका की सुनते पत्रकार महोदय यूं ही घास की लहरों पर बैठे हुए थे कि अचानक प्रेमिका की नजर एक गुलाब पे पड़ गई जो गोरखनाथ पीठ के फूलों के बागीचे में जगमगाता हुआ सा दिख रहा था। बिल्कुल वैसे जैसे शायद सीता मैया को वो सोने वाला हिरन दिखा था और जैसे सीता मैया ने भगवान राम को प्रेरित किया था उस हिरन को लाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह उस पत्रकार महोदय को भी उनकी प्रेमिका ने प्रेरित किया कि ये गुलाब आ जाए तो बात बन जाए। अब पत्रकार महोदय अलग संकोच में पड़े, भाई बागीचे में से फूल तोड़ना मना रहता है, अब बागीचे में से प्रेमिका के लिए गुलाब कहाँ से लेके आए। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि अरे अरे उस गुलाब को छोड़ो, बातचीत करना है बातचीत करते हैं। लेकिन प्रेमिका महोदय का ध्यान तो गुलाब पे अटक गया था। अब प्रेमिका महोदय बात करने को ना तैयार, वो कह रही है कि नहीं नहीं पहले गुलाब लाओ तभी होगी बात। पत्रकार महोदय गजब संकट में। इस संकट से पार पाने के लिए उन्होंने दाएं बाएं देखा, देखा कोई नहीं है, सोचा जल्दी से जाते हैं और गुलाब तोड़ के लाके दे देते हैं। धीरे 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 कदम बढ़ाए, बागीचे में घुसे और घुसते ही फूल पकड़ा, पकड़ा ही था कि माली आ गया। माली ने जोर से कहा, ए सुनो 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 सुनो, फूल मत तोड़ो, फूल नहीं तोड़ना, हाथ मत लगाना।
इतने मुश्किल से पौधों को करीने से सजाते हैं और तुम लोग ऐसे गुलाब तोड़ के लेके चले जाते हो। पत्रकार महोदय को एक माली डांट रहा है, माने एक माली सबके सामने और सबके सामने होती तो ठीक, अपनी प्रेमिका के ही सामने डांट खाता हुआ देख के पत्रकार महोदय मानो अपनी नजरों में गड़ गए। माने उन्हें अपनी इतनी डिसरिस्पेक्ट फील होने लगी कि दोबारा प्रेमिका के पास जाने से डरने लगे। अच्छा, माली ने तो डांट के भगा दिया। अब जब माली डांट के भगाने लगा तो पत्रकार महोदय ने उस पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश की। कहा, अरे मेरा मैनेजर से लेके महंत जी से परिचय है, तुम क्या समझ रहे हो, कोई आम आदमी समझते हो हमको? अच्छा, मालिक दुगने गुस्से में आ गया, बोला महंत जी की धौंस किसी और को देना, फूल नहीं तोड़ने दूंगा, जाओ। अच्छा, पत्रकार महोदय अलग संकट में कि ये तो महंत की धौंस भी ना काम आई, तो मुंह लटकाए चले आए प्रेमिका के पास। अच्छा, प्रेमिका अलग नाराज, प्रेमिका ने कहा अब तो गुलाब ला के दोगे तभी होगी बात। अब प्रेमिका के सामने इज्जत का सवाल आ गया, अब प्रेमिका से मिले या गुलाब तोड़े? गुलाब तोड़ नहीं सकते थे, महंत की धौंस काम आई नहीं, प्रेमिका छोड़ने को तैयार। एक गुलाब पे इन दोनों की प्रेम कहानी दांव पे लग चुकी है। गोरखनाथ पीठ के बागीचे का एक गुलाब दो प्रेमी पंछियों के बीच झगड़े की इतनी बड़ा वजह बन सकता है, ये तो शायद पीठ को भी नहीं पता होगा। खैर, अब पत्रकार महोदय के स्वाभिमान को ठेस पहुंच चुकी थी, तो पत्रकार महोदय ने तय किया कि अब तो अपनी प्रेमिका को यही गुलाब देंगे। अब गुलाब देने के लिए पत्रकार महोदय शाम को पहुंच गए मैनेजर साहब से मिलने के लिए। मैनेजर साहब से सारी बात बताई कि भाई साहब, माली ने ऐसा ऐसा डांटा, अब हमें चाहिए वो गुलाब जिससे हम अपनी प्रेमिका को दे दें और हमारा मामला जरा आगे बढ़े, इस प्रेम कहानी को पूरा करवाने में मदद कीजिए। तो मैनेजर साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, अब माली ने डांट के भगा दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चूंकि पूरा का पूरा बागीचा माली के ही अंडर में आता है, माली को पूरी जिम्मेदारी मिली है कि उस बागीचे को कैसे सुंदर बनाना है, किसे रोकना है, किसे टोकना है, ये सब माली तय करता है। मैनेजर के मुंह से माली की इतनी ताकत सुन के पत्रकार महोदय को होश ना रहा। माने पत्रकार महोदय ने कहा एक माली की इतनी हैसियत है कि उसे आप भी कुछ नहीं कह सकते? मैनेजर साहब ने कहा ना ना, मैं कुछ नहीं कह सकता, महंत जी से सीधा निर्देशित है। तो पत्रकार महोदय को लगा अच्छा, अब जब आपसे भी बात नहीं बनी तो फिर महंत जी से ही मिलना पड़ेगा। तो मैनेजर ने कहा भाई महंत जी से मिलना है तो मिल लीजिए। अगले दिन पत्रकार महोदय महंत जी से मिलने पहुंच गए, क्योंकि अभी तक मामला सुलटा था नहीं, प्रेमिका बात करने को तैयार ना थी जब तक वो गुलाब मिल ना जाए, और ये बिछड़े प्रेमी की तरह बेचारा दुखी आदमी पहुंचा अगले दिन महंत के पास। अब योगी आदित्यनाथ जी बैठे, एक सेंट्रल हॉल है गोरखनाथ पीठ में, उस हॉल में नीचे की साइड पे एक कमरा है, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक भगवा कलर की कुर्सी है, या यूं कहें कुर्सी के ऊपर भगवा रंग का तौलिया लगा है, और उसी तौलिये के ऊपर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। आमतौर पे आजकल जब पांच कालिदास मार्ग लखनऊ में उनका निवास है, तब भी लोग जो गोरखनाथ पीठ के दर्शन करने आते हैं वो उसी कुर्सी को नमस्कार करके जाते हैं। खैर, जैसे ही योगी आदित्यनाथ और पत्रकार महोदय एक दूसरे के आमने सामने आए, मानो पत्रकार महोदय के हृदय की सारी विरह वेदना फूट पड़ी। ऐसी विरह कथा कही पत्रकार महोदय ने कि पिछले 3 दिनों से जो उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची है, उन 3 दिनों का एक एक घटनाक्रम योगी जी के सामने सचित्र पेश हो गया। माने प्रेमिका का फूल डिमांड करना, फिर पत्रकार महोदय का बागीचे में अनुचित चेष्टा करना, फिर माली की डांट, फिर माली पे धौंस, फिर माली का धौंस ना मानना, फिर प्रेमिका की फटकार, फिर प्रेमिका की मनुहार, फिर प्रेमिका का ना मानना, फिर मैनेजर पे धौंस, फिर मैनेजर का भी ना मानना, और अंत में इस बेबस पक्षी का आपके चरणों में ही है ठिकाना। यही था इस कथा का उद्देश्य जो पत्रकार महोदय ने योगी आदित्यनाथ को सुनाई थी, ताकि शायद योगी जी का दिल पिघले और माली के लिए कुछ आदेश निकले, क्योंकि जब तक आदेश ना निकलेगा तब तक वो गुलाब का फूल ना मिलेगा, और जब तक फूल ना मिलेगा तब तक प्रेमिका से बात नहीं होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए पत्रकार महोदय को अंदाजा नहीं था कि योगी जी क्या आदेश सुनाने वाले हैं। योगी जी ने कहा देखो ऐसा है, अब माली ने डांट दिया है तो मैं माली को तो कुछ नहीं कह सकता। माने ये वाक्य बिजली की तरह गिर पड़ा पत्रकार महोदय पे, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, माने तीर की तरह चुभा सीधे दिल पे।
अंदाजा ही नहीं था कि किसी पीठ का पीठाधीश्वर एक माली को डांटने को ना तैयार होगा। पत्रकार महोदय ने कहा, क्यों नहीं डांट सकते महंत जी, आप डांट दीजिए, एक गुलाब दे दे, वो एक ही गुलाब की बात है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं माली के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। पत्रकार ने कहा, अरे आप पीठाधीश्वर हैं, वो इस पीठ का माली है, आप उसे आदेश दे सकते हैं। योगी जी ने कहा, नहीं, ये गोरखनाथ पीठ है, यहाँ जिसको जिम्मेदारी मिलती है पूरे अधिकारों के साथ, और उन अधिकारों में महंत होने के नाते भी मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ जब तक की स्थिति आपातकालीन ना हो। और तुम्हारी स्थिति तो कोई आपातकालीन मुझे लगती नहीं है, तो माली को तो मैं डांट नहीं सकता हूँ। मानो पत्रकार महोदय की जिंदगी की सारी उम्मीद चली गई, मानो एक ही तो ज्योति थी जो बुझ गई। माने उनकी जिंदगी में पिछले 3 दिनों से जो तमराज किलमिश का अंधेरा कायम रहे हो गया था, उसे मिटाने के लिए योगी जी ही शक्तिमान के तौर पर नजर आ रहे थे, और अब शक्तिमान ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शक्तिमान ने हाथ खड़े कर दिए, माने योगी आदित्यनाथ ने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर मैंने योगी जी को लव गुरु क्यों कहा? टेंशन ना लीजिए, योगी जी के लव गुरु बनने की कहानी अब आ रही है सामने। योगी जी ने कहा, अब तुम्हारे लिए मैं माली को तो नहीं डांट सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि गुलाब की व्यवस्था करा ही दूं। ऐसा करना, प्रेमिका को भी ले आना। अब पत्रकार महोदय को लगा कि योगी जी जब माली को डांटने नहीं वाले हैं तो प्रेमिका के साथ क्यों बुला रहे हैं। लेकिन अब योगी जी का आदेश था तो प्रेमिका के साथ पहुंच गए। योगी जी ने गोरखनाथ पीठ के गर्भगृह में प्रसाद के तौर पे जो फूल स्थित था गुलाब का ही, वही गुलाब का फूल निकाला और पत्रकार महोदय को दिया कि अपनी प्रेमिका को दो और अपने प्रेम संबंधों की शुरुआत करो, और लगे हाथ टिप्स भी दे डाली। योगी जी ने कहा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे प्रेम डोला नहीं करता है, प्रेम मजबूत चीज है, बांधे रखता है। आप कहां गुलाब जैसी छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव करने लगे। योगी आदित्यनाथ की ये सीख पत्रकार महोदय को आज भी याद है, और इस कहानी के जरिए आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ के सामने प्यार मोहब्बत और इश्क की बात करने भर से आपका गला नहीं काट दिया जाएगा, और योगी आदित्यनाथ आपको अपमान भरी नजरों से नहीं देखने लगेंगे। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें उनके लिए भी उतनी ही सामान्य और सहज हैं जितनी आपके और हमारे लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप समझे होंगे कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ में इतनी मोहब्बत भरे नजरों से देखे जाते हैं, क्यों हैं वो गोरखनाथ पीठ के सबसे लाडले महंत। योगी आदित्यनाथ को उनकी यही अदा दूसरों से अलग कर देती है, जहां वो दूसरों को जिम्मेदारी नहीं अधिकार दिया करते हैं। गोरखनाथ पीठ में एक माली तक को ना डांटने वाले योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंच